हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है बलप्रीत सिंह किरण। मैं बी फायर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से। ये हमारी थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैं दो और वीडियो बना चुका हूँ जो आपको आई बटन में मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि नेशनल फायर सर्विस वीक क्यों मनाया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया में फायर सर्विस वीक हम 14 से 20 अप्रैल तक मनाते हैं। 12 अप्रैल 1944 को एक ब्रिटिश शिप आया था बॉम्बे पोर्ट पे, जिस पे कॉटन, गोल्ड और 1400 टन एक्सप्लोजिव था। फिर 14 अप्रैल 1944 को किसी कारणवश उस शिप में आग लग जाती है, जिससे दो बड़े धमाके होते हैं, जिन धमाकों से 13 शिप उसके आसपास जो होते हैं वो डूब जाते हैं और आसपास के इलाकों को बहुत नुकसान होता है। जो धमाका होता है उससे तकरीबन 800 से 1300 लोगों की मौत होती है, 80,000 लोग बेघर हो जाते हैं और उस धमाके से जो आग लगती है उसको बुझाते बुझाते 71 फायर सर्विस के जवान शहीद हो जाते हैं। ये जो मैंने स्टैट्स आपको बताए हैं ये करेक्ट नहीं है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। कहीं 64 बोला जाता है कि 64 जवान शहीद हुए हैं, कहीं 71 बोलते हैं। हमारे पास आज तक फिक्स स्टैट्स नहीं आए हैं। तो जो हमारे फायर सर्विस के जवान शहीद होते हैं हम उनको 14 अप्रैल को श्रद्धांजलि देते हैं। इस दिन का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोगों को फायर सेफ्टी के बारे में अवेयर करें। इस दिन बहुत सारी फायर सर्विस रैलीज निकालती हैं, सेफ्टी चेक्स करती हैं, अवेयरनेस कैंप लगाती हैं। फायर सर्विस वीक में मुंबई में एक रैली निकाली जाती है जिसमें फायर सर्विस के सभी जवान हिस्सा लेते हैं। इन सभी अवेयरनेस कैंप और रैलीज का एक ही मोटिव होता है कि हम लोगों को अवेयर करें फायर सेफ्टी के बारे में और कम से कम जान माल का नुकसान हो। तो ये थी हमारी एक नेशनल फायर सर्विस डे पे वीडियो। आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो लेके जाऊँ। सो न्यू वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।